ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। जो व्यक्ति पूजा करने बैठता हो, उसका मन एकाग्र ना रहता हो, या फिर जिसका कोई काम बार बार टल रहा हो, तो गोपी चंदन को गलाकर शंकर भगवान की शिवलिंग पर त्रिपुंड लगाइए। फिर उसी त्रिपुंड की उंगलियों को अपने वक्ष स्थल पर लगाकर चले जाओ। आपका कोई काम नहीं टलेगा, वो काम उसी दिन हो जाएगा। या फिर उसी त्रिपुंड को अपने वक्ष स्थल पर लगाना शुरू कर दीजिए, आपका मन पूजा में एकाग्र रहेगा। आपने ज़्यादातर साउथ में देखा होगा, यानी मद्रास साइड में या चेन्नई साइड में, कि वो लोग भगवान शंकर को पीला चंदन नहीं लगाते हैं, वहाँ पर केवल गोपी चंदन ही भगवान शंकर को लगाया जाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि हम भगवान से अगर मिलें या उनसे कुछ कहें, जो हमारा कार्य हो वो एक बार में पूर्ण हो जाए, इसलिए साउथ वाले शंकर जी को गोपी चंदन लगाते हैं।